बहुत सनसनीखेज आज खबर हमको मिली है कि कुरकुरे फैक्ट्री में एक लड़का जो है काम करता था, वो रात को वहाँ पर सोया, लेकिन सुबह जो है उसकी वो मौत हो गई थी। मौत की स्थिति में वो पाया गया। पूरा मामला है क्या? उनके पिता हमारे साथ हैं जी। क्या आप नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव है जी। जी पूरा मामला है क्या? पूरा मामला जी मेरे को कोई पता नहीं है। मैं सुबह सोया पड़ा था, जो फैक्ट्री का माल का मेरे पास आया और मेरा उन्होंने कहा भाई साहब तेरे लड़के की ज़्यादा सीरियस तबीयत है और आप चलिए माँ जी दवाई दवा के उसको दुकान पे दे और घर भेज दो, आराम कर लेगा। उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा मेरे साथ चलिए। मैं जी उसके साथ बैठ के, एक लड़का और था, मैं फैक्ट्री में गया, दरवाज़ा खोला, सामने रोहित की लाश पड़ी थी फर्श के ऊपर। तो फैक्ट्री का माल का लगा कहने लगा भाई साहब मैं गड्डी में लाश रख के मैं तेरे घर पहुँचा देता हूँ। माँ जी मैं ऐसे नहीं, मेरे को तो शक है भी मेरा लड़का मार दिया फैक्ट्री में। तो माँ जी मैं ऐसे लाश नहीं, मैं गया जी थाने में, इतना मैं पुलिस को मैं जाकर रिपोर्ट करी, पुलिस ने लेकर आया। उस फैक्ट्री के मालिक ने मेरी लड़के की लाश ठाकर मेरे घर छोड़ दी और फैक्ट्री का ताला लगा चला गया। क्या कहीं चोट के निशान भी थे उसके? जी पूरे मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर चोट के निशान, खून लग रहा। एक तुलसी की माला थी वो उसके मुंह में फंस रही है। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो मर्डर किया गया। हाँ जी मेरे को तो ये लग रहा है जी किसी ने मारा इसको। अच्छा रात को वहाँ पर कितने युवक थे जो सोए थे? मेरे को कोई पता नहीं जी इस चीज़ का, वो तो वही बता सका फैक्ट्री मालिक। फैक्ट्री मालिक से बातचीत हुई आपकी? क्या जी फैक्ट्री मालिक से? मेरे से तो यही बात हुई जी और कुछ नहीं हुई। सुबह बुला के ले गया, बोला डेड बॉडी घर पहुँचा दूँ। माँ जी मैं नहीं ले जाता, मैं पुलिस ने बुला के ले आया, वो डेड बॉडी खुद है मेरे लड़के के घर गिर गया। पहले उनकी किसी के साथ रंजिश रही हो? नहीं जी कुछ नहीं। तो अब आपको मर्डर लग रहा है, तो आप क्या चाहते हो? क्या मैं तो इंसाफ मांग रहा हूँ जी। जी तो मैं तो ये इंसाफ मांग रहा हूँ कि मेरा लड़का फैक्ट्री के अंदर क्यों कर मरा, किसने कैसे होया कैसे नहीं होया। जी कुरकुरे फैक्ट्री के अंदर जो है एक युवक की मौत हो गई, लेकिन उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मरने वाले की आयु 89 30 साल लगभग बताई जा रही है, लेकिन आरोप परिजनों का ये है कि उनका मर्डर किया गया, उनकी हत्या की गई है और मामले की जांच जो है निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और पूरा जो दूध का दूध है पानी का पानी है वो साफ होना चाहिए और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि इस मामले की गहनता से जाँच की जानी चाहिए और अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे।